हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनिश सिन्हा और आप देख रहे हैं डेली डूड्स। तो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा आपको थंबनेल में देख के समझ में आ गया होगा, आज हम सीड्स के बारे में बात करने वाले हैं। कहाँ से आप बहुत ही सस्ते, रिजनेबल और अच्छे सीड्स जिनकी जर्मिनेशन रेट कम से कम 90% से ऊपर हो, मैं तो बोलूँगा 99% हो, क्योंकि जितने भी सीड्स होंगे जो मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में, वो टेस्ट एंड ट्रायल किए हुए हैं और वो गवर्नमेंट ने उसे, गवर्नमेंट देती है इसे, ठीक है। तो इसी के बारे में आज का वीडियो होने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी आप कोई नया वीडियो देखें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, डेली डूड्स मेरा हैंडल है, तो आप मुझे वहां जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो बात कर रहे थे कि आखिर कहां से आप सीड्स बाय कर सकते हैं जो कि बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर और अच्छे क्वालिटी के सीड्स मिल जाए। लोगों का अक्सर यही कहना होता है कि जो उनके सीड्स हैं वो अच्छे नहीं मिलते। आपको 5 रुपए का सीड्स भी मिल जाएगा, आपको 10 रुपए का मिल जाएगा, आपको 150 रुपए का भी सीड मिल जाएगा। तो हर वेराइटी के सीड्स आपको अवेलेबल होते हैं। मैं लास्ट इवेंट जो कि मुंबई में था, वहां पर सीड्स की वेराइटी मैंने बहुत देखी। बहुत मतलब कि आपको समझ लीजिए जितने कितने सारे ब्रांड्स, लगभग 100 से ऊपर ब्रांड्स होंगे जो सिर्फ सीड्स में ही डील करते हैं। जितने भी इवेंट्स वगैरह में मैं जाता रहता हूँ, वहां भी सीड्स के बहुत सारे काउंटर्स होते हैं जो कि सिर्फ सीड्स में सीड सेल करते रहते हैं। तो आपको समझ में नहीं आता है, आप कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर ये सीड्स बाय करना कहाँ से ठीक रहेगा, कौन सी जगह से सीड्स आपको बाय करना चाहिए और रीजनेबल भी हो और ऑथेंटिक भी हो और चीजें भी अच्छी मिल जाए। जो किसान होते हैं वो कहाँ से बाय करते हैं और उनका जर्मिनेशन रेट इतना अच्छा क्यों होता है, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए, ये एक जो पैकेट आप देख रहे हैं नेशनल सीड कॉरपोरेशन, ये देखिए राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड है, ये कंपनी जो है ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है और ये सीड्स प्रोवाइड करती है जितने भी आप बोल सकते हो कि जहां पर आप खेती बाड़ी होती है वहां के लोग यहीं से सीड्स बाय करते हैं। और ये जो सीड्स होते हैं बहुत ही रीजनेबल होते हैं और बहुत ही सस्ते होते हैं, और जो इनके जर्मिनेशन रेट होता है वो 90% से भी ऊपर होता है। मैं तो बोलूँगा लगभग, मुझसे बात हो रही थी उनसे, वहाँ के लोगों से, तो उन्होंने कहा लगभग 99% लगभग जर्मिनेशन रेट होता है, क्योंकि एक एक सीड्स जितने भी आते हैं इनके पास वो टेस्ट एंड ट्रायल होते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं। तो इस तरह का जो पैकेट होता है वो लगभग इसमें 8 डिफरेंट वेराइटीज सीड्स के आपको मिल जाते हैं और उनकी जो प्राइसिंग है वो 100 रुपीज़ है। 100 रुपीज़ में पूरा पैकेट मिलता है और लगभग एक पैकेट में 10 ग्राम का होगा, किसी में 50 ग्राम का सीड्स के पैकेट्स बनाए हुए हैं जो कि बहुत बहुत हैं। अगर आपको एक सीजन में अगर कुछ लगाना है, अगर आप गार्डनर हैं और आपके फ्लैट है या फिर आप घर में लगाना चाहते हैं, तो इस तरह का पैकेट्स भी अवेलेबल कराते हैं वो, जिसमें लगभग 7 से 8 डिफरेंट वेजिटेबल्स के पैकेट मिलते हैं। तो ये मैंने अभी जो लास्ट इवेंट हुआ था पूसा का, मैंने वहां से मैंने बाई किया था, तो वहां पर ये पैकेट मैंने बाई किया और वहां पर मुझे ये पैकेट्स में आपसे दिखा देता हूँ कि मैं इस एक पैकेट के अंदर आखिर आपको क्या क्या चीजें मिल जाती हैं। जैसा कि ये जो है ये पंपकिन का है और ये देखिए ये पंपकिन का है और बहुत सारे सीड्स मिल जाते हैं अगर आप गार्डनर हैं तो। ये लौकी का है और ये भी ठीक है, ठीक ठाक है, क्वांटिटी अच्छा है आपको वन सीजन के लिए, आपके लिए काफी है। ये बैगन का है, ये देखिए ये बैगन का सीड है। इसके अलावा कुछ सीड्स मैंने यूज किया था, ये फ्रेंच बीन्स है, बीन्स जो हम वो मिल जाएगा। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं ये है खीरा कुकुम्बर, तो ये भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ये थोड़ा सा हेवी है, पालक है, तो पालक का अच्छा खासा क्वांटिटी इन्होंने दिया है। और ये है भिंडी का, तो भिंडी के सीड्स भी अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप खेती बाड़ी से रिलेटेड हैं या फिर आप एग्रीकल्चर से काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं और आपको क्वांटिटी में चाहिए, या फिर ऐसे सीड्स जो कि अवेलेबल नहीं भी हैं उनके पास, आप उनको अगर ऑर्डर देंगे तो वो कहीं ना कहीं से अरेंज करके आपके पास ला देते हैं। तो आप ये कहाँ से बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी डिटेल्स दे दी है, फ़ोन नंबर दे दिया है, एड्रेस दे दिया है, आप वहाँ जाके ये सारे सीड्स बाय कर सकते हैं। जनरली आप ऑनलाइन फैसिलिटी ये नहीं देते हैं, एक और रह गया है और ये है तोरी का, तो ये भी आप इसमें एक पैकेट के अंदर लगभग 8 डिफरेंट सीड्स आपको मिल जाते हैं। राष्ट्रीय बीज निगम है, ये पूसा रोड पर है, तो इसका जो डिटेल एड्रेस होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा,
तो इस तरह का पैकेट होता है, 8 सीड्स होते हैं, काफ़ी है एक सीजन के लिए अगर आपको लगाना चाहते हैं। आप जाके आपको वहाँ बाई करना पड़ेगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये ऑनलाइन फैसिलिटीज़ नहीं देती है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। आप किसी भी स्टेट में रहते हैं, जरूरी नहीं है कि आप दिल्ली के पूसा के इंस्टीट्यूट के पास जाके आप बाई कीजिए, आप कहीं भी रहते हैं हर एक स्टेट में सीड्स भंडार जो होता है, बीज भंडार होता है, वो बिल्कुल होता है गवर्नमेंट का। आप जाइए, आप पता कीजिएगा, आपको अब चाहे महाराष्ट्र में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, आप कहीं भी रहते हैं, वहाँ पर आपको इजीली सीड्स मिल जाएंगे। और जो इनकी जो सबसे बेस्ट बात होती है कि इनका बाकायदा पूरा लैब है, दिल्ली में भी इनका पूरा अच्छा खासा लैब है जो कि मैंने विजिट किया हूँ, ये बिल्कुल आईटीओ के पास है। और डिटेल वीडियो आने वाला है, जैसा लॉकडाउन खत्म होता है तो आपको डिटेल वीडियो मिलेगा इस सीड्स के जगह पर, जहां पर ये सारा कुछ तैयार होता है वहां का डिटेल वीडियो आने वाला है। बातचीत हो गई है और बस वहां जाकर वीडियो शूट करना है, तो वो मैं आने वाले टाइम में आपसे शेयर करूंगा बहुत जल्दी, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। तब तक अगर आपको फिलहाल अभी लॉकडाउन में छूट मिलता है, अगर कुछ सीड्स बाय करना है तो आप पूसा जाके बाय कर सकते हैं। आप जिस स्टेट में भी रहते हैं आप वहां का मालूम कर लीजिए, पंजाब हरियाणा, तो वहां भी आपको सीड्स बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर मिल जाता है। तो ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।